राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। पिपरिया, आपकी सरकार आपके द्वार का आयोजन पिपरिया आरएनए स्कूल में रखा गया, जिसमें पिपरिया ब्लॉक के कई प्रकरण को लोगों द्वारा शिकायत की गई। सभी लोगों द्वारा कई विभाग को लेकर शिकायत एवं आवेदन दिए गए। कुछ आवेदनों का निराकरण भी किया गया और कुछ का आश्वासन दिया गया। अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम पूर्व विधायक अर्जुन लाल पालिया, मनीष दहा, दिलीप पालीवाल, नगर पालिका अध्यक्ष राजीव जयसवाल, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी एवं कई विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही अन्य कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। सुहागपुर पे उन पर चर्चा नहीं होगी। उसके अलावा कुल 15 आवास के, प्रधानमंत्री आवास के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 14 आवास के आवेदनों के निराकरण हो चुके हैं, क्योंकि उन सभी का नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में आवास प्लस में पूर्व से ही अपलोड कर दिया गया है एवं ऑनलाइन उनको चेक करके अभी उनकी किस नंबर पे रैंक, किस नंबर पे उनका नाम जोड़ा गया है प्रधानमंत्री आवास में, उसको भी निराकरण में दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा सिर्फ एक हितग्राही का निराकरण करना शेष है, क्योंकि उनकी आईडी उनके द्वारा नहीं दी गई है। सर, खाद्य और आपूर्ति विभाग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आड़े हाथों लिया। कार्य प्रणाली को लेकर ऑफलाइन राशन बांट दिया जाता है, कैसे देखते हैं? इसमें जो खाद्य विभाग की जो शिकायतें प्राप्त हुई है उसके संबंध में जो आगे फूड इंस्पेक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एक सेल्समैन के खिलाफ भी कार्रवाई पद से पृथक करने की जा रही है, और इसके अलावा भी इसमें फूड से संबंधित जितने भी विषय आए उन सभी में जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, नगर पालिका की 5 एकड़ जमीन थी, उस पर ट्रांसपोर्ट नगर न बनना था, लेकिन उसको यदि नपाई की जा रही है, लगभग 2.5 एकड़ जमीन बची है, लगभग 3 एकड़ जमीन मिली नहीं रही। इसके संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष से जब बात की गई तो उनने कहा कलेक्टर के साहब के पास प्रतिवेदन भेज दिया गया है, लगभग 3 साल हो गए सर, अभी तक वो जमीन नहीं मिल पा रही है। पिपरिया से मनीष वर्मा की रिपोर्ट, राजधानी व्यू। सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू।